सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो फॉर्मली वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड दिस इज अवर लेक्चर 4 एंड टुडे वी विल कंप्लीट अवर मटेरियल सिलेक्शन रिगार्डिंग फ्रेम्स बॉडी एंड चेचेस। ओके, तो हम लोगों ने अब तक व्हाट इज ऑटोमोबाइल इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, देन इसकी पूरी एक जर्नी है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया तो इट इज नॉट सो मच रिलेवेंट, बट फॉर योर जनरल नॉलेज यू शुड नो अबाउट दिस। देन वी मूव टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। सो पर्पज की वजह अब हमने बात करी तो पैसेंजर और गुड्स कैरियर हुआ। फ्यूल टाइप की यदि हम क्लासिफिकेशन पे जाएं तो पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक कार्स हैं, स्टीम है, और स्टीम का शुरुआत में ही यूज हुआ था। देन कैपेसिटी वाइज यदि हम देखें तो हम हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करते हैं जिसे हम शॉर्ट में HMV और LMV भी बोलते हैं। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन सिंगल यूनिट और आर्टिकुलेटेड यूनिट्स जिसमें ट्रेलर्स और ट्रैक्टर्स जो हम एडिशनली अटैचमेंट जोड़ के बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वाइज भी टू डिफरेंट कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। ड्राइविंग के हिसाब से बात करें, यदि हम बात करें तो यूरोपियन और अमेरिका जो है वहां पर हम लेफ्ट हैंड ड्राइव यूज करते हैं जबकि हम इंडिया के अंदर में वी आर यूजिंग राइट हैंड ड्राइव और वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव यूज होती है। सिमिलरली नंबर ऑफ व्हील्स के हिसाब से यदि हम बात करें तो टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं और फोर व्हीलर्स हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम बॉडी के हिसाब से बात करें, यदि हम कार लेने जाते हैं या हम व्हीकल को देखते हैं तो हम उसमें कई कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैचबैक हम बोलते हैं, हैचबैक बेसिकली वो व्हीकल हो गए जिसमें पीछे की साइड डिक्की नहीं होती है, फ्लैट होती है, लाइक मारुति स्विफ्ट हम बोल सकते हैं या i10 बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। देन वी हैव सिडान, सिडान वो होती है जिसके पीछे की साइड में भी डिक्की होती है और इट्स लाइक आप मान लीजिए कोई सी भी गाड़ी की बात कर लीजिए, लाइक होंडा सिटी की बात कर लीजिए या फिर आप मारुति डिजायर को बोलें तो वो सिडान की कैटेगरी में है, ऑल्दो मारुति स्विफ्ट जो है वो सिर्फ हैचबैक है। इसी तरह कन्वर्टेबल्स हैं, वो कन्वर्टेबल्स में यू कैन कन्वर्ट इट, ओपन रूफ टाइप होती है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको ड्वेल शेप दे सकते हैं, चलते चलते भी दे सकते हैं, रोक के भी दे सकते हैं, सो दे आर बेसिकली कन्वर्टेबल। स्टेशनरी वैगन्स हैं जो वैन्स कैटेगरी में आती है और कुछ आते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसको पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मेन कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी एक बार बात करी थी लेकिन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलने वाले सेशंस में, दैट इज इंजन, फ्रेम, चेचेस, ट्रांसमिशन, बॉडी एंड कंट्रोल, एसेसरीज। देन वी मूव फर्दर, इंजन की हम बात करें तो इंजन 4 टाइप्स के हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिकली स्पार्क इग्निशन या कंप्रेशन इग्निशन की बात कर सकते हैं, और इसी तरह से स्पार्क और कंप्रेशन में भी हमारे पास दो दो कैटेगरी होती है, दैट इज 2-stroke और 4-stroke। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में भी हमने शायद थर्मल में इसको पढ़ा होगा। देन वी मूव, हमने इसके बारे में काफ़ी बात कर ली है चेचिस के बारे में। बॉडी के बारे में हम बात करें, यदि आप लोग देख पा रहे हैं तो ये आपके पास एक कोई कार का पूरा बॉडी दिखा रखा है जिसमें हम आगे से चलें तो हम इसको ग्रिल बोलते हैं, जो फ्रंट का आपके पास एरिया होता है जहाँ पर एयर अंदर जाती है और ये कूलिंग का काम करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिल। देन वी हैव फ्रंट बम्पर होता है हमारे पास, ये जो आप ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं, रेडिएटर सपोर्ट होता है क्योंकि अंदर यहाँ पर ही रेडिएटर होता है जो इंजन की रेगुलर कूलिंग करता है। ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ से हम इसको ओपन करते हैं दैट इज कॉल्ड बोनट, और जो साइड में लाइट लगी है इसको हम बोलते हैं हेडलैम्प, इसके नीचे यहाँ पर जो लगा हुआ है फॉग लैम्प बोलते हैं इसको। देन देयर आर डोर्स, देन गार्ड है हमारे पास में जो साइड के जो बम्पर है उसके साइड में जो लगे हुए हैं, दैट मेटल पोर्शन इज योर बेसिकली गार्ड। देन रेयर की हम बात करें तो ये साइड पैनल्स कहलाते हैं दोनों साइड के, और टेल गेट कहलाता है जो यदि ओपन टाइप है तो। देन वी हैव मिरर्स, तो ये बेसिक अरेंजमेंट है किसी एक व्हीकल बॉडी का। ओके, तो इसके अलावा भी हम जाएं तो बहुत सारी और पार्ट्स हो सकते हैं बट दे आर द बेसिक बॉडी पार्ट्स। इसी तरह चेचिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेचिस हमने बात करी थी। हमने क्रॉस सेक्शन को ये पिक्चर नहीं दिखाई थी, तो किसी ने पूछा था कि कौन कौन से क्रॉस सेक्शन यूज हो सकते हैं, तो सी चैनल यूज हो सकता है, बॉक्स टाइप यूज हो सकता है, आई फ्रेम यूज हो सकता है, हेड सेक्शन यूज हो सकता है और ट्यूबुलर सेक्शन यूज हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिनको हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ चेचेस हम लोगों ने बात की थी, कन्वेंशनल, फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड की, और यदि हम बात करें
अकॉर्डिंग टू द माउंटिंग ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन तो हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन इज इंजन एट फ्रंट. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी व्हीकल के माउंटिंग में इंजन को फ्रंट में लगाते हैं. इसी तरह से जब दूसरा तरीका होता है वो होता है इंजन फिटेड इन फ्रंट बट क्रॉसवाइज. क्रॉसवाइज मतलब एक तो हम लोगों ने देखा है कि इंजन को हम लोग क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडनली लगाते हैं, मतलब उसका जो फिटमेंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है उसी एक्सिस में होता है जिस एक्सिस में आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट होता है. लेकिन यदि आप क्रॉसवाइज लगाते हैं, अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा, तो उसको हम बोलते हैं इंजन तो फिट है फ्रंट में लेकिन उसको हमने क्रॉसवाइज फिट किया हुआ है. तीसरा जो टाइप है इंजन फिटेड एट द सेंटर ऑफ द चेचेस. हम सेंटर में भी इंजन को फिट करते हैं कई गाड़ियों में, और इंजन फिटेड एट द बैक. तो ये माउंटिंग ऑफ द इंजन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माउंटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ द चेचेस. तो हम इंजन को लगाने के अलावा भी उसकी ड्राइव कौन सी यूज करते हैं उसके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव ये सबसे ज्यादा चलने वाला ऑप्शन है जो ज्यादातर गाड़ियों में यूज होता है. इंजन फ्रंट में लगा होता है और व्हील ड्राइव जो होती है जिसको ड्राइव मिलती है वो पीछे वाले व्हील को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रेयर व्हील ड्राइव. इसी तरह से आप चाहें तो फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव भी आप ले सकते हैं, कई गाड़ियों में ये भी चीज आती है. सिमिलरली रेयर इंजन यदि हम चाहें तो इंजन को रेयर में भी लगा सकते हैं और रेयर व्हील ड्राइव ले सकते हैं. एंड फोर व्हील ड्राइव इसकी बात हमने लास्ट टाइम में भी की थी कि चारों व्हील्स को हम ड्राइव दे सकते हैं. तो इस तरह से ये चार क्लासिफिकेशन और पॉसिबल हैं. कन्वेंशनल चेचिस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसमें हमें जो होता है इंजन पूरी तरह से बाहर की साइड लगा होता है, उसमें हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे काफ़ी डिटेल में. देन सेमी फॉरवर्ड की हमने बात की थी जिसमें आधा इंजन अंदर और आधा इंजन बाहर होता है. देन फॉरवर्ड चेचिस की हमने बात की थी जिसके अंदर में चेचिस पूरी तरह से फॉरवर्डेड होता है और इंजन बिल्कुल कैबिन के अंदर आ जाता है लाइक अवर वैन और बसेस. तो इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये हम बात कर रहे हैं इंजन एट फ्रंट. आप देख रहे हैं इंजन है उसका अलाइनमेंट भी बिल्कुल वही है जो गाड़ी का अलाइनमेंट है. ठीक है, यदि आप इंजन इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं तो इंजन जो है इसमें क्रॉसवाइज लगा हुआ है. तो इंजन क्रॉसवाइज लगा के हम यहीं पे ड्राइव दे सकते हैं और ये बहुत कॉम्पैक्ट कार्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं. जनरली इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिज़ाइन पैरामीटर कि हम इंजन को क्रॉसवाइज लगा सकते हैं. इंजन माउंटेड एट सेंटर एंड इंजन माउंटेड एट बैकवर्ड पीछे की साइड में, लाइक नैनो कार्स के अंदर में इंजन आप देखेंगे तो बैकवर्ड फिटमेंट के साथ ही आपको मिलेगा. और कुछ टाइप के हमारे पास चेचिस फ्रेम्स होते हैं, दैट इज टेबुलेट स्पेस फ्रेम्स, मोनोक्यू फ्रेम्स एंड बैकबोन फ्रेम्स. तो जो बेसिकली टेबुलेट टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें काफ़ी सारी हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से हर मेंबर को अलग अलग बना करके और उनको वेल्ड करते हैं. लेकिन इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स और हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है. ठीक है, इसी तरीके से मोनोक्यू होता है, मतलब मोनोक्यू मतलब इट्स ए फ्रेंच वर्ड, तो इसका मतलब है कि सिंगल यूनिट वन पीस. तो वन पीस स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में वो आप देख पा रहे हैं. ये इसी टाइप का हम लोग सबसे ज़्यादा जो फ्रेम है वो हम यूज़ कर रहे हैं और इसको बनाना भी आसान है और इसमें इसके जॉइंट्स भी काफ़ी ईजी रहते हैं. तो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट. और जो हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बना के इसको जोड़ते हैं उनको हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो इसके भी अगेन सेवरल एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं. हैवी बन जाता है काफ़ी और छोटे वॉल्यूम में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं. सिमिलरली स्पेस इफिशियंट है, मतलब हम जैसा भी कर्व देना चाहें वैसा कर सकते हैं. और क्रैश प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए ये क्या होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, मतलब लाइक एक्सीडेंट जब होता है तो उस केस में ये क्रम्बल हो जाता है तो उससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है. और ये है बैकबोन फ्रेम. बैकबोन फ्रेम में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैकबोन टाइप का एक फ्रेम दिया हुआ है, मतलब ये जैसे हमारी बॉडी होती है उसका एक बैकबोन होता है, ऐसा एक सिंगल यूनिट बैकबोन बना दिया गया है और इसी के अंदर से आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन चली जाती है. सो इट सपोर्ट एंड एनक्लोज्ड दैट ट्रांसमिशन ऑल्सो. और जैसा आप चाहें, मतलब आप चाहें तो इसके अंदर कितने भी एक्सेल पीछे लगा सकते हैं, इस बैकबोन को आप लंबा बना सकते हैं. तो इसको आप क्या कर सकते हैं लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 8 एक्सेल तक का भी व्हीकल आप इस बैकबोन टाइप में बना सकते हैं. बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉस्टली बहुत होता है. तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपके पास वो कौन सा होता है, मोनोक्यू टाइप ऑफ फ्रेम यूज़ होता है. तो मूव फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ व्हीकल लेआउट हम यदि बात करें तो अलग अलग टाइप्स के व्हीकल लेआउट्स हैं. हम लोगों ने थोड़ी बात करी है शुरुआत में कि कौन कौन से टाइप के हम लोगों ने लेआउट्स की बात की है. इनको हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाले
चीज़ों में हम लोग आने वाली जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। सो लेट्स मूव स्ट्रेटली टुवर्ड्स दी मटीरियल इन ऑटोमोटिव डिज़ाइन। सो हेयर वी विल स्टार्ट दिस रिक्वायरमेंट्स। सो द मटीरियल इन ऑटोमोटिव डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोग ऑलरेडी शायद डिज़ाइन पढ़ चुके हैं और मटीरियल्स के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है जब भी हम किसी ऑटोमोटिव डिज़ाइन के लिए काम करते हैं? तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ लाइट वेट। सो हम वेयर टीयर को हम इसमें नहीं जोड़ सकते बट ये जरूर है कि हमारा लाइट वेट होगा तो ओवरऑल सारी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे हमारे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वेयर एंड टीयर भी कम होगा। सो ओवरऑल इफेक्ट इज देयर, राइट? देन द सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब आप सब समझते हैं कि हम ऐसा मटेरियल लें जो कि ज़्यादा महंगा नहीं हो, जिससे कि हमारी ऑटोमोबाइल की जो कॉस्ट है वो थोड़ा कवर हो सके, कम हो सके। देन थर्ड थिंग इज रिसाइकलेबल। देखिए बहुत पुराने टाइम में इस वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि रिसाइकलेबल है या नहीं है, लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम एंड नाउ इन 2000 ऑनवर्ड्स जो हमारी सेंचुरी हो गई है उसके बाद से इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मटीरियल को यूज़ करें जो रिसाइकलेबल हों। देन द इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्टस इज सेफ्टी। तो हमें कैसा चाहिए मटीरियल जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता हो। जो भी मान लीजिए एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अमाउंट में एक एनर्जी जो होती है कोलिजन से प्रोड्यूस होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको ट्रांसमिट कर दे। यदि मान लीजिए हम बहुत मोटी लोहे की रॉड ले लें और एक साइड से उस पर बहुत तेजी से हम यदि उस पर इम्पैक्ट करें तो क्या होगा, वो अपना पूरा फोर्स ट्रांसमिट करके दूसरी साइड निकाल देगा। लेकिन उसी की जगह हम यदि इस तरह का कोई मटेरियल लें जो सॉफ्ट हो और जो थोड़ा डक्टाइल हो तो क्या होगा, जब हम शॉक एक एंड पे यदि हम इम्पैक्ट करते हैं तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर एंड पे नहीं होगी, उसमें से काफ़ी एनर्जी क्या होगी उसको डिस्टॉर्ट करने में लग जाएगी, उसको क्रम्बल करने में लग जाएगी। तो हमें चाहिए कि हमारा जो मटेरियल हो वो हाईली एब्जॉर्बिंग टाइप का हो जो कि काफ़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। देन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसमें से कोई चीज़ नुकीली घुसे और वो आरपा निकल जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पेनिट्रेट नहीं होने दे किसी भी फॉरेन एलिमेंट को अंदर तक, सो दैट ड्यूरिंग द क्रैश लाइक सिचुएशंस पैसेंजर में रिमेन सेफ। तो हमें ये एक चैलेंजिंग हमारे लिए टास्क है कि हमें ऐसा मटेरियल चूज करना है। और दूसरी जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हम उसको ईजिली शेप कर सकें। ऐसा नहीं हो कि लाइक आपने बहुत अच्छा मटेरियल चूज़ कर लिया, आप बोलते हैं मॉलिब्डेनम का बना लेते हैं या फिर हम लाइक हमने हेडलैम्प के ऊपर में डायमंड का कुछ स्क्रीन दिया है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको मशीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें चाहिए कि वो इजीली मशीनेबल हो, फॉर्मिंग हो सके, उनमें जॉइनिंग प्रोसेस आराम से हो सके, तो हमें ऐसा मटीरियल यूज़ करना है। तो ये एक दिन की जर्नी नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से हम यदि देखें तो हम हिस्ट्री को यदि हम देखते हैं तो जब इवोल्यूशन हुआ था शुरुआत 1880s से जब हम बात करते हैं तब से जब शुरुआत हुई थी तो पहला वुडन फ्रेम यूज़ हुआ करता था और उसी के अंदर में पूरे पार्ट्स को हमें लगाना पड़ता था, व्हील्स को उसी के हिसाब से माउंट करना होता था। 20s में जाके 1920s के अंदर में बॉडी पे काफ़ी ध्यान दिया गया और उसी टाइम शुरुआत हुई स्टील एंड एल्यूमिनियम शीट्स की। तो तभी हम लोगों को जो गाड़ियाँ हैं 1920s की जो हम ब्रिटिश राज में भी देखते थे उसके अंदर स्टील और एल्यूमिनियम काफ़ी हद तक यूज़ होने लगा। और कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते थे जनरली, दे आर यूजिंग ड्रॉप हैमरिंग एंड पावर हैमरिंग। आप सबने शायद प्रोडक्शन में सुन रखा होगा ड्रॉप हैमरिंग और पावर हैमरिंग के बारे में। या सो ड्रॉप हैमरिंग मतलब क्या हो गया, आप एक तो ग्रेविटी की मदद से हैमर को या एक वेट को ड्रॉप करते हैं उससे जो आप शेप लेते हैं, और दूसरा होता है पावर हैमरिंग, मतलब आप कोई भी पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, मोटर यूज़ कर सकते हैं या हाइड्रोलिक यूज़ कर सकते हैं, उससे आप हैमरिंग करते हैं और उससे आप शेप देते हैं शीट मेटल्स को या फिर किसी भी मेंबर को, तो दे आर कॉल्ड ड्रॉप हैमरिंग और पावर हैमरिंग। देन मूविंग टूवर्ड्स 1930s एंड 40s तब हमारे पास मोनोक्यू बॉडी का हमारे पास जो था कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और सिंगल यूनिट के अंदर में हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बनाया जाने लगा। और यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा जो टेक्निक यूज़ किया दैट इज़ फॉर स्टैम्पिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी बना पाते थे फ्रॉम द शीट मेटल। देन वी मूव फॉरवर्ड 1950s की हम बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और जो गाड़ियाँ थी काफ़ी बल्क में बनने लगी थी और वहाँ पर डिफ्यूजन स्टैम्पिंग का जो था रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया
और यूनि बॉडी स्ट्रक्चर यानी सिंगल बॉडी स्ट्रक्चर को ही हम लोग प्रीफर करने लगे। ये पूरी बॉडी जो थी वो सिंगल यूनिट के रूप में प्रोड्यूस होने लगी, और जो बॉडी होती थी इसके अंदर की तरफ में हम लोग बिग एंड रिजिड एलिमेंट्स यूज़ करते थे, काफ़ी हैवी चीज़ें यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल आपका रेडिएटर काफ़ी हैवी हुआ करता था, इंजन काफ़ी हैवी हुआ करता था, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग आर हैवी। इन 1960s हम लोगों ने इस जो यूनिबॉडी स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी तेज़ी से यूज़ करने लगे, और ज़्यादातर गाड़ियों में यही यूनिबॉडी स्ट्रक्चर यूज़ होने लगा। और इसके अलावा जब हम 60s की बात करें तो हम लोग अल्टरनेटिव मटेरियल्स पर भी काफ़ी काम शुरू कर चुके थे इन अर्ली 60s, और वहाँ पर हमने बात करी कंपोजिट मटेरियल्स की। कंपोजिट आई होप आप लोग फैमिलियर हैं इस वर्ड से, कि हम सिंगल मटेरियल यूज़ ना करके, स्टील यूज़ ना करके, हम लोग कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, अलॉयज यूज़ कर रहे थे। और धीरे धीरे हम लोग मिड 60s के अंदर फाइबर ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक को भी यूज़ करने लग गए थे, जिसको अभी हम लोग देखते हैं काफ़ी हाई उसका यूज़ होने लगा है आज की डेट में। 70s के अंदर हम बात करें तो 73 में काफ़ी एनर्जी क्राइसिस आया था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ऑटोमोटिव पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट आया था, और धीरे धीरे हम लोग लाइट वेट व्हीकल्स बनाने की तरफ इस दौरान बढ़ने लगे, क्योंकि स्टील जो था वो काफ़ी उस समय में मुश्किल से मिल पा रहा था, प्लस सब तरफ में एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया था वर्ल्ड वाइड। तो कोशिश की गई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाइट मटेरियल्स को यूज़ किया जाए, और जितने लाइट मटेरियल हैं उनको हम लोग धीरे धीरे ऑटोमोबाइल की तरफ शिफ्ट करने लगे। और यहीं पर हम लोग क्या करने लगे, एक चीज़ और देखा हमने कि ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाएँ जो फ्लेक्सिबल हो। तो उससे क्या होता था, जैसा अभी हमने बात किया, जो मटेरियल क्रम्बल हो सकते हैं उससे क्या होता था, इंजरीज कम होगी। तो ये बात हमारी 70s के अंदर में शुरू हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला एरा था उसके अंदर हम लोगों ने सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया। इन 1980s हम बात करें तो पैसिव सेफ्टी पर काफ़ी काम शुरू हो चुका था। पैसिव सेफ्टी का मतलब क्या होता है, दो तरह की सेफ्टी होती हैं, एक होती है एक्टिव सेफ्टी, हम पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर। तो इन 80s में हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी सेफ्टी पर ध्यान देना शुरू किया वर्ल्ड वाइड, और पैसिव सेफ्टी की तरफ बात कर रहे हैं। पैसिव सेफ्टी वो सेफ्टी होती है जो किसी भी एक्सीडेंट होने के बाद जो हमें बचाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्टिव सेफ्टी की बात करें तो वो ऐसी चीज़ें जिनसे एक्सीडेंट ही ना हो। सपोज करिए हम बात करें कि अच्छा विजन होगा, कांच बहुत अच्छे साफ होंगे, तो वो हमें एक्सीडेंट होने से बचाएंगे, दैट इज एक्टिव सेफ्टी। लेकिन यदि वही कांच जब एक्सीडेंट हो जाए और हमारे अंदर घुस जाए तो वो हमें और मार सकता है, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव टाइप ऑफ सेफ्टी। तो हम क्या करते हैं, जो कांच होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल कांच ना लगा करके, हम लोग आपने देखा होगा टफन ग्लासेस होते हैं, या फिर हम गैस के जो कांच होते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो कांच हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड पैसिव सेफ्टी, क्योंकि वो एक्सीडेंट होने के बाद हमको बचा रही है। सीट बेल्ट है, देन जो सेफ्टी थी वो किससे बचा रही थी, कि डोर्स पे यदि कोई इम्पैक्ट होता है, रूफ पर कोई इम्पैक्ट होता है, या फिर साइड से जब इम्पैक्ट होता है, तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया इन 1980s में। इन 1990 लाइट वेट मटीरियल्स हम लोग उस पर काम करने लगे, क्योंकि इफ़िशेंसी बढ़ाने पर काम होने लगा, और उस टाइम में ऑयल रिजर्वायर्स पर काफ़ी बात होने लगी। तो जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम माइलेज बढ़ाएं गाड़ी की, इफ़िशेंसी बढ़ाएं, तो हमें लाइट वेट मटेरियल्स की बात करने लगे। तो हमें ऐसी बॉडी चाहिए थी विच इज़ वेरी स्टिफ। तो स्टिफ का मतलब क्या हो गया, कठोर होनी चाहिए, बहुत उसमें ताकत होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रेजाइलेंस भी होनी चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए उसके अंदर में, एक तरह का लचीलापन होना चाहिए जिससे वो क्रम्बल हो सके। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही रिजिड रहे और वो जब एक्सीडेंट हो तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट क्या करे, अंदर बॉडी पे ट्रांसफ़र कर दे और हमारा जो ऑक्यूपेंट है उस पर ज़्यादा इंजरी हो। तो हमें यहाँ पर चाहिए था कि रेजाइलेंस भी होना चाहिए उस मटेरियल में, ठीक है। तो धीरे धीरे जो लेट 90s के अंदर में हम बात करते हैं, तो डिज़ाइन विथ प्रोग्राम्ड डिफॉर्म्ड जोन, यानी हमने धीरे धीरे किस पे काम करने लगे, कि हमने ये देखा कि जैसे जो आज हम देख पा रहे हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट होता है गाड़ी के ऊपर में, तो हम अलग अलग जोन्स में उसको स्टडी करते हैं कि फ्रंट जोन में, साइड जोन में, रेयर जोन में क्या क्या इम्पैक्ट्स आए और उससे कितना बॉडी के अंदर में डिफॉर्मेशन हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कि हर बॉडी की डिफॉर्मेशन के हिसाब से उसके मटीरियल को सेलेक्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट में हमें वो पर्टिकुलर चीज़ देनी पड़े। तो हमें कहीं स्ट्रेंथ चाहिए तो कहीं हमें डिफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इन 2000 यदि हम 2000 सेंचुरी में जब आए, तो हमने वेट रिडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ध्यान दिया, मतलब डायनामिक्स ऑफ व्हीकल बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ, जिससे कि बैलेंस गाड़ी में बन सके, और जो बैलेंस बनेगा तो उससे हमारा ट्रैक्शन अच्छा होगा, गाड़ी की जो
पिकअप है, गाड़ी का जो ग्रेस्प है रोड के ऊपर वो काफी अच्छा होगा। देन वी अगेन ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ डिफॉर्मेशन जोन्स, यानी हमने क्या किया, पूरी गाड़ी को स्ट्रांग बनाने के बजाय किस पे ध्यान दिया, जहां जहां से ज्यादा डिफॉर्मेशन हमको हो रहा था। देन ऑप्टिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायर इम्पैक्ट, तो हमने 2000 जब ये था 2000 से बाद में हमने क्या किया, काफी जो स्टडीज थी उनने साइड इम्पैक्ट पे भी काम किया, बिकॉज जैसे जैसे आप देखेंगे 2000 के आसपास में गाड़ियों की जो स्पीड थी वो बढ़ने लगी, 100+ 150 तक गाड़ियां जो थी वो चलने लगी, बनने लगी, तो उसकी वजह से टॉपलिंग ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा होने लगा, पलटी जो होती है गाड़ी पलटना या फिर साइड से टकराना, तो उस वजह से ये 2000 में हमारे को एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो गया कि हमें साइड इम्पैक्ट्स के लिए भी ज्यादा काम करना पड़ा। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी अच्छी गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां आती हैं उसमें साइड एयरबैग्स भी होते हैं जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनके लिए, तो इट इज ऑल्सो अगेन द सेम इफेक्ट कि हमें साइड इम्पैक्ट से बचाना होता है। जनरली जो फ्रंट है वहां पे तो दो एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए गवर्नमेंट ने, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो फ्रंट एयरबैग्स के बिना आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन साइड एयरबैग्स जो होते हैं या पीछे के जो रेयर पर एयरबैग्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं गाड़ी के अंदर में। तो ये चीजें हमारे पास हम लोगों को धीरे धीरे इम्प्रूव करनी पड़ी 2000 में। न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इम्प्रूव स्टिफनेस, तो और धीरे धीरे 2000 में हमने कुछ और मेथड्स यूज किए जिससे हम स्टिफनेस को बढ़ा सकते थे और डिक्रीज वेल्डिंग नीड्स। जो हमारे पास क्या था, हम लोग वन वन पीस में उसको बनाने लगे, तो उससे क्या फायदा हुआ हमको कि जहां जहां वेल्डिंग जॉइंट्स होते थे वहां पर आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोगों ने कोशिश किया उसको वन पीस में बनाने का, जिससे कि हमारे पास वेल्डिंग की जो थी रिक्वायरमेंट कम से कम हो गई है। ऐसा नहीं है वेल्डिंग नहीं होती है, लेकिन होती है लेकिन कम से कम हो गई है। तो यदि हम बात करें एक टेबल के थ्रू कि कौन कौन से मटेरियल और किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्टील की। तो वेट वाइज यदि हम इसको 100% मानते हैं, जितना वजन यदि स्टील के व्हीकल में होगा उसको हम 100% बेंचमार्क मान लेते हैं, तो हम बाकी की कंपैरिजन में बात करेंगे आगे। तो इससे फायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज हम सबसे पहले देखें, तो हम देखेंगे कि एक प्रूवन मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है स्टील की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं और काफी डेकेड से यूज करते आ रहे हैं। गुड फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज, उसको आराम से हम ढाल सकते हैं अलग अलग उस मशीन ऑपरेशंस के थ्रू, उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। और अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो गुड, कहीं पर भी हम आराम से इसको इजिली मिल जाती है हमको इस चीज। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, स्पेसिफिक वेट बहुत ज्यादा है, स्टील का जो वेट है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा है, तो इससे लाइट व्हीकल बना पाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेप्स रिक्वायर्ड, यानी हम आप कोई भी शेप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक एक किसी ऑपरेशन से ही वो शेप उसको स्टील बॉडी को हम दे सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं उसको उस पर्टिकुलर शेप में लाने के लिए, तो अगेन स्टेप जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और खर्चीला हो जाता है। सो दिस इज नेगेटिव अबाउट ट्रेडिशनल स्टील। फिर उसके बाद हमने जिस पे काम किया वो हमने हॉट फॉर्म्ड स्टील पे किया, मतलब हम क्या करते थे, पहले नॉर्मल स्टील को कोल्ड, जो आप लोगों ने कोल्ड स्टील का बात सुना है उस वे में यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे हॉट फॉर्मिंग यूज होने लगी है, हम स्टील को गर्म करके और क्या करने लगे, उनको शेप करने लगे अलग अलग। तो इससे हमें क्या हुआ, उसका जो वेट था वो भी कुछ हद तक हमारे पास में रिड्यूस हुआ, लगभग 10 से 15% तक हमारे पास इसमें रेट का रिडक्शन आया, और कॉस्ट लेकिन थोड़ा सा हाई की तरफ हो गया है। यदि हम स्टील के रेफरेंस में बात करें ट्रेडिशनल, तो ये करीब करीब 25% तक बढ़ गया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, वेरी हाई स्ट्रेंथ विद गुड फॉर्मेबिलिटी, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई एक तो, दूसरा क्या है, इसकी शेप आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स भी दे पाते थे, क्योंकि आप उसको हॉट फॉर्म में उसको शेप करते थे तो वो इजीली शेप हो जाता था। ठीक है, अट्रैक्टिव कॉस्ट बेनिफिट रेशियो फॉर वेट सेविंग, तो हमारा 10-15% का वेट सेविंग होने लगा, तो थोड़ा हम लोग मूव फॉरवर्ड हो गए वेट की तरफ में, जो वेट रेशियो होता है वो इधर पे हमारे को थोड़ा इंप्रूव हो गया। वेरिएबल स्ट्रेंथ थ्रू सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस टेलर्ड टेम्परिंग, अब यदि आप देख लीजिए कि मैंने अभी आपसे बताया कि कोई जोन है जिसमें आपको मटेरियल को सॉफ्ट बनाना है, सपोज करिए आपको एक गाड़ी बनाई है आपने और उसमें फ्रंट की साइड से इम्पैक्ट आता है, तो आप चाहते हैं कि जो फ्रंट की लॉन्गिट्यूडनल मेंबर हैं या फ्रंट का जो लॉन्ग क्रॉस मेंबर है आप चाहते हैं उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज सम टेम्परिंग प्रोसेस, लाइक आपने एनिलिंग का नाम सुन रखा होगा, तो एनिलिंग है, या फिर सॉफ्टनिंग कर सकते हैं ऑफ मटेरियल, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ भी रहेगी और मटेरियल अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा, बाहर से हार्ड रहेगा लेकिन अंदर से कोर उसका सॉफ्ट हो जाएगा, सो दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वो क्या करेगा, सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से वो क्रम्बल करेगा और आपकी एनर्जी को
एब्जॉर्ब करेगा, तो ये फायदा हमको मिलने लगा किससे, हॉट फॉर्मिंग स्टील से। लेकिन इससे नेगेटिविटी क्या हो गई, हमें प्रॉब्लम आ गई कि हाई इन्वेस्टमेंट होने लग गया, क्योंकि एक हमारे पास उसको गर्म करने के लिए और उसके साथ ऑपरेशंस पे भी खर्चा बढ़ गया। तो सोर्सिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट यूज लिमिटेड ऑफ स्ट्रक्चरल बिटवीन कंपोनेंट्स, और इसको हम क्या करते हैं, हर जगह यूज नहीं कर सकते, कुछ जगह में हमें ट्रेडिशनल स्टील ही यूज करना पड़ता था, लेकिन कुछ जगह पर हम लोग इन बिटवीन कंपोनेंट्स इन चीजों को यूज कर सकते हैं। देन मूव फॉरवर्ड वी हैव अनदर सब्स्टिट्यूट, दैट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे हमारे गाड़ी के अंदर में और काफ़ी ऑटोमोबाइल्स में इंट्रोड्यूस होने लगा है, क्योंकि इसका जो वेट रेस्पेक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इससे हम देखेंगे रिलेटिव वेट हमारा लगभग 50% तक रिड्यूस हो गया ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन रेट हमारी अगेन जो नॉर्मल स्टील के मुकाबले 50% तक बढ़ गई एल्यूमिनियम को यूज़ करने से। तो हम कह सकते हैं इसके एडवांटेज में लो स्पेसिफिक वेट एंड गुड फॉर्मेबिलिटी। तो वेट रिड्यूस हो गया हमारा गाड़ी का, प्लस फॉर्मेबिलिटी इजी थी, मतलब उसको शेप करना आसान था क्योंकि सॉफ्टर मटेरियल है एल्यूमिनियम विद कंपेयर टू स्टील। दूसरा, हमारे को क्वाइट हाई स्ट्रेंथ व्हेन सेमी हॉट और हॉट फॉर्मिंग इज डन। तो हमारे को स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिलने लगी, ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि हमें स्टील से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने लगी, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो काफ़ी बढ़ गई यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेट रेशियो। तो वेट, इतने कम वेट में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ मिलना सफिशियंट था हमारे लिए। नुकसान क्या हुआ, ग्रेटर टेक्निकल एफर्ट्स टू जॉइन विथ स्टील पार्ट्स। आप देखेंगे कि दोनों मटेरियल अलग हैं, आप उनको वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टील टू आप वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को स्टील के साथ जोड़ना थोड़ा टिपिकल होता है। यदि आप एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम बात करें तो आप ब्रेजिंग से उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम से स्टील जहां पर जोड़ना है तो आपके पास या तो रिविट करना पड़ेगा या स्पॉट वेल्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये दो टेक्निक्स आप यूज कर रहे थे उसको जॉइनिंग के लिए, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मोर सेंसिटिव टू सरफेस डिफेक्ट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत तेजी से बनाता है, ऑल ऑफ यू नो दिस। लोअर फॉर्मेबिलिटी एंड हाई स्प्रिंग बैक। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, स्प्रिंग बैक जो एक्शन है उसका काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू स्टील। सिमिलरली वी मूव टूवर्ड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज जैसे हुआ मटेरियल में, तो हम लोगों ने देखा कि और वेट रिड्यूस हम कर पाए, दैट इज अप टू 45% टू 55% स्टील के कंपेरिजन में। तो लाइटेस्ट स्पेसिफिक वेट होता है मेटल्स जो कि ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा आज की डेट में मैग्नीशियम, और वेरी इफेक्टिव कोटेड कोटिंग रिक्वायर्ड टू अवॉइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत तेजी से बनाता है, इट इज़ वेरी प्रोन टू ऑक्साइड फॉर्मेशन। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी ऑक्साइड्स को यूज करने के लिए, और फॉर्मेबिलिटी भी इसकी थोड़ी क्या है, लो है विथ कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो ड्रॉबैक्स थे, प्लस हमारा जो कॉस्ट है वो देखेंगे आप 75% तक बढ़ गया है नॉर्मल स्टील के कंपेरिजन में। एंड द लास्ट वन इज कंपोजिट मटीरियल्स। कंपोजिट मटीरियल्स क्या हो गया, आप कई तरह के फाइबर्स हो गए हैं, कई तरह की प्लास्टिक्स हो गई हैं, कई तरह के और अलॉयज हो गए हैं, इनको हमने यूज़ किया और इससे हमने वेट जो था लाइक 25% तक रिड्यूस कर लिया। और आपने देखा होगा कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में, गाड़ी के बम्पर्स बना रहे हैं हम लोग, कई अंदर के पार्ट्स बना रहे हैं, अंदर पूरी बॉडी है लगभग 50-60% बॉडी आपके आज की डेट में फाइबर की हो गई है, कंपोजिट मटेरियल्स की हो गई है। तो इससे क्या हुआ, वेट तो बहुत रिड्यूस हो गया, लेकिन कई सारे हमारे को नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस वाइज है वो वेट का बहुत वेट कम है इसका और परफॉर्मेंस बहुत हाई है, तो रेशियो आपके पास इसका बहुत अच्छा मिल गया हमें। लोअर पार्ट काउंट, तो क्या होता था, हायर अमाउंट ऑफ फंक्शनल इंटीग्रेटेड पार्ट्स। आपने देखा होगा कि जो कई सारे पार्ट्स हमें पहले अलग अलग बनाने पड़ते थे, मतलब सपोज करिए एक हमें शेप देनी है तो हो सकता है चार पार्ट्स को हमें वेल्ड करके या ज्वाइन करके वो शेप देनी पड़ती थी, लेकिन कंपोजिट मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और मैन्युफैक्चरिंग इजी होती है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो चार पार्ट्स ना बना के हम एक ही पार्ट्स में उस पूरे चीज़ को बना पा रहे हैं, तो हमारा जो काउंट है, नंबर ऑफ जो पार्ट्स लग रहे हैं वो काउंट कम हो गया है, लोअर पार्ट काउंट, समझ रहे हैं इसका मतलब। तो दिस इज हाउ पार्ट्स की जो नंबर है वो कम हो गए हम, क्योंकि कई कई पार्ट्स को एक साथ फ्रेम करके और एक साथ ही उसको मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, फाइबर मटेरियल बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें नैनो फाइबर्स भी होते हैं जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव हैं ये, तो रेट बहुत बढ़ रही है उन कार्स की, लेकिन लाइट वेट बन रही है नो डाउट, और लिमिटेड क्रैश परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दिक्कत क्या आती है यहाँ पर, क्रैश परफॉर्मेंस में वो काफ़ी जो है उनके स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स हैं तो वो काफ़ी लो रहते हैं। यदि हम एक कंपैरिजन चार्ट देखें इन सब मटेरियल्स का, एल्यूमिनियम, आयरन कास्टिंग, कोल्ड स्टैंपिंग, हॉट स्टैंपिंग, फोर्जिंग, कंपोजिट मटेरियल और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग,
ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग आप सबने सुन रखा होगा कि हम गर्म प्लास्टिक को एक इंजेक्शन मोल्ड के अंदर में प्रेस करते हैं विथ वेरी हाई प्रेशर, तो जो भी शेप होती है उस डाई की उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो प्लास्टिक की चेयर्स घरों में यूज करते हैं वो एक किससे बनी है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनी है। तो हम ये सारे कंपेयर करें अलग अलग पैरामीटर्स पे, तो हम देखेंगे कि हम ये पांच अलग अलग हमने इनको नंबरिंग यूज करी है। डबल प्लस हमने यूज किया है हाईली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि जो बहुत बेहतर काम कर रहा हो, पॉजिटिव मतलब ठीक है अच्छा कर रहा है, प्लस माइनस का मतलब क्या है न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा कर रहा है ना बहुत खराब कर रहा है, हम कह सकते हैं सो सो है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा बेकार काम कर रहा है, और डबल नेगेटिव का मतलब हो गया वो बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, वी शुड नॉट रिकमेंड इट। ठीक है, तो यदि हम इंपॉर्टेंटली इस चार्ट को समझना चाहें तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डबल प्लस कहाँ पर है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करें रिसाइकलेबिलिटी, देखिए यहाँ पर आपको डबल प्लस मिल रहा है आयरन कास्टिंग के लिए, क्यों, क्योंकि रिसाइकिलिंग जो होती है आयरन कास्टिंग की बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिजाइन, तो जो कास्टिंग से आप कई तरीके की शेप्स बना सकते हो ये भी बहुत अच्छी है इसके अंदर में। सिमिलरली यदि हम किसी और मटेरियल की बात करें, यही कोल्ड स्टैम्पिंग की बात करें, ये भी इसके अंदर में इजी है। यदि हम वेट की बात करें तो वेट देखिए कंपोजिट मटेरियल को डबल प्लस दिया हुआ है यहाँ पर। व्हाट डज इट मीन कि कंपोजिट मटेरियल का वेट सबसे कम होता है इसीलिए हमने उसको डबल प्लस दिया है। इसी तरीके से यदि हम इसमें आएंगे फॉर्जिंग से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, सेफ्टी रेलेवेंस के हिसाब से हमें डबल प्लस मिलता है फॉर्जिंग से, क्योंकि फॉर्जिंग में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है हमको। तो इस तरीके से हमने देखा डबल प्लस है। इसी तरीके से डबल नेगेटिव यदि हम देखें वो कहाँ मिला है, कॉस्ट वाइज फॉर्जिंग को बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है, तो कॉस्ट ज्यादा जाएगी तो हम डबल नेगेटिव दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम इसको यूज करें एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न। इसी तरह कंपोजिट मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो हम उसको डबल नेगेटिव दे रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरियस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज डिफरेंट मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ वेट, कॉस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेफ्टी रेलेवेंस, इन हाउस ओवीएम कैपेसिटी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिजाइन एंड रिसाइकलिंग। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम कौन कौन से मटेरियल्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर द बेसिक एलिमेंट्स विच वी आर यूजिंग। एक अब हम बात करते हैं, यदि हम कभी भी किसी गाड़ी को देखते हैं, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे गाड़ी के, तो हमें एक जनरल एक स्टैंडर्ड टेबल मिलता है, बहुत डिटेल टेबल नहीं है ये, जनरल स्टैंडर्ड जो है व्हीकल का स्पेसिफिकेशन है, और वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक कंपेरिजन चार्ट लिया हुआ है बिटवीन टाटा जेनेक्स नैनो AMT एंड मारुति एल्टो K10 AMT। तो AMT जो हो गया, दोनों में ही AMT है, तो अब हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो टाटा जो नैनो गाड़ी है और जो मारुति की एल्टो K10 है, इनमें हम सबसे पहली बात करें थी इंजन की, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 2624 CC का इंजन है। CC स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इतना क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें वॉल्यूम आ सकता है। सेकंड है हमारे पास पावर, तो जनरली PSI में आती है या हॉर्स पावर में, HP में आती है या फिर DHP में आती है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। तो हम देख सकते हैं पावर के टर्म्स में मारुति K10 का पावर ज़्यादा है नैनो से। टॉर्क की हम बात करें तो टॉर्क है 51 न्यूटन मीटर जबकि मारुति K10 का है 90। गेयरबॉक्स की बात करें 5 AMT, इसका मतलब है 5 गियर्स इसमें हैं और इसमें भी 5 गियर्स हैं और सारे ऑटोमेटिक हैं। 5 गियर्स का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर में आपका रिवर्स गियर भी शामिल होता है, तो 4 गियर फ्रंट एंड 1 गियर रिवर्स इसके अंदर में आपके पास अवेलेबल है। सिमिलरली इफ यू विल टॉक अबाउट डायमेंशंस, किसी भी गाड़ी की डायमेंशंस हम देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है लेंथ, विड्थ और हाइट। फर्स्ट होता है लेंथ, कितनी लेंथ है mm में यदि हम बात करें तो 3099 mm, यानी लगभग 3 मीटर के आसपास में इसकी लेंथ है। विड्थ है आपके पास 1.5 मीटर की और हाइट है करीबन 1.5 मीटर से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मारुति एल्टो जो है वो इससे थोड़ी बड़ी है, यानी कि इसकी लेंथ है मान लीजिए 3 मीटर, तो ये 3.5 मीटर की है। ठीक है, इसी तरह से हम व्हील बेस की बात करें, व्हील बेस क्या होता है, फ्रंट व्हील के सेंटर से रेयर व्हील के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम व्हील बेस बोलते हैं। तो व्हील बेस आपके पास दिया हुआ है 2230 जबकि ये थोड़ी सी बड़ी है मारुति एल्टो K10। इसी तरह से पावर वर्सेस वेट रेशियो, यानी कि पावर वर्सेस जो वेट है गाड़ी का वो कितना है, देखिए 49.92 जबकि पावर वर्सेस वेट इसका क्या है 90.06। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसमें ज्यादा वेट है। इसका मतलब यदि हम पावर देख रहे हैं, हमारे पास दोनों की पावर है सामने और हम उसके सामने वेट का रेशियो निकालते हैं,
तो पावर वर्सेस वेट का जो रेशियो है वो ज्यादा मिल रहा है हमको मारुति एल्टो के अंदर में, ठीक है। सिमिलरली ग्राउंड क्लियरेंस की हम यदि बात करें तो जो नीचे से बॉडी जो है उसकी लोअर बॉडी पार्ट है कहां तक ऊंचा है, तो इट इज 180 mm, जबकि हमारे पास मारुति K10 का 160 mm है। इसका मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस खराब है, हमारे पास टाटा जेनेक्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बेटर है। और यदि हम ऑफ रोड कंडीशन पे बात करें, गांव में बात करें, तो वी विल प्रीफर दिस टाटा जेनेक्स। सिमिलरली फ्यूल इफिशियंसी की हम बात करें तो ARAI एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यही काम करती है, जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराती है इंडिया की जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, और वहीं पर इसकी टेस्टिंग होती है। तो वहां पर जब स्टैंडर्ड हम सेट ऑफ कंडीशंस में इसका फ्यूल इफिशियंसी चेक करते हैं, दैट इज किलोमीटर पर लीटर, तो कितना किलोमीटर पर लीटर हमको मिल रहा है टाटा जेनेक्स से, 21.9 किलोमीटर पर लीटर। और हम मारुति की बात करें तो 24.07 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये हम लोगों को नहीं मिलता है, रोड कंडीशंस पे जनरली नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब हम फ्यूल इफिशियंसी नापते हैं तो वहां पर सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, वहां पर एक बेल्ट होती है जहां पर गाड़ी को चलाया जाता है, सामने से विंड एक स्पेसिफिक स्पीड में चलाई जाती है। तो ये जब सारी सेट ऑफ कंडीशंस एक यूनिफॉर्म रखी जाती है बेंचमार्क के हिसाब से, और उस पर गाड़ी को चलाया जाता है कुछ किलोमीटर तक, और उसके बाद फ्यूल की माइलेज ली जाती है। लेकिन जो रियल कंडीशंस हैं वहाँ पर रोड भी अलग होती है, वहाँ पर प्रेशर भी अलग होता है, वहाँ पर हमारे पास साइड और कई तरह के थ्रस्ट भी होते हैं, और ड्राइवर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इन सब वजहों से हम कहते हैं कि हमारा जो कंपनी क्लेम होता है उससे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। देन वी मूव टूवर्ड्स बूट स्पेस। बूट स्पेस किसको कहते हैं? जो हम पीछे डिग्गी में सामान लगेज रखते हैं, बिल्कुल, तो जो हम पीछे सामान रखते हैं उसको हम लीटर्स में नापते हैं। हालांकि हम पानी नहीं भर रहे वहां, कोई लिक्विड नहीं भर रहे, लेकिन स्टिल जो एयर का वॉल्यूम है हम उसी को नाप रहे हैं, और उसके हिसाब से हम 94 लीटर्स का बूट स्पेस है टाटा जेनेक्स में, और 177 का बूट स्पेस है मारुति एल्टो K10 में। इसी तरह से हम प्राइस की बात करें तो प्राइस तो आप सब समझते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्स शोरूम प्राइस। एक खास बात ये होती है, आप किसी भी गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस देखेंगे तो पूरे इंडिया में आपको एक्स शोरूम प्राइस सबकी सेम मिलेगी। उसके बाद भी लेकिन गाड़ी यदि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी की प्राइजेज में हर स्टेट में काफ़ी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए आप बात करते हैं कोई गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो और इंश्योरेंस तो लगभग सभी जगह सेम है लेकिन टैक्सेस अलग अलग हैं। तो कोई कोई स्टेट में इतना हैवी टैक्स है कि वही गाड़ी 12 लाख की पड़ रही है आपको, 10 लाख की जो गाड़ी एक्स शोरूम है, क्योंकि 2 लाख रुपए आप टैक्स और इंश्योरेंस पे दे रहे हैं। वेयर एज कुछ जैसे मैंने देखा पंजाब जो है, चंडीगढ़ है, वहां पर बहुत ज्यादा आपकी टैक्स के अंदर में सेविंग्स हैं, यानी कि आप एक गाड़ी को लेते हैं तो 50,000-70,000 रुपए तक आपके बच जाते हैं। यदि आप राजस्थान से नहीं लेते हैं, किसी स्टेट दिल्ली के अंदर में भी कम है, गुजरात में भी कम है, राजस्थान में काफी ज्यादा टैक्सेस हैं, पंजाब में भी कम है, तो आप देखेंगे तो रोड टैक्सेस अलग अलग आपको सब जगह मिलेंगे। तो ये बताने के पीछे कारण ये था कि ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग ऑटोमोबाइल, तो कल को हो सकता है आपके भी घर में या पेरेंट्स में या फ्रेंड्स में कोई पूछ सकता है भाई तुम ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो, तुमको ये चीजें पता है क्या? तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑल ऑफ यू शुड हैव अबाउट द व्हीकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे।